जनाब, आज बड़ी खुशी वाली गल है कि मौसम बड़ा अच्छा है और बड़े अरसे बाद मौका मिल रहा है बाहर बहन का। क्यों भाई साहब? हाँ जी, बड़ा प्यारा मौसम है हाँ जी, और 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ते और आदमी सोचता कि बैठे तो बंदा गपशप मारे और जी मौसम ठीक हो तो बंदा बह सकता, बाहर इस तरह बह नहीं सकता। साढ़े NKOTV दे जड़े बानी ने इन्हें ख्वाहिश है कि असी कोई इलेक्शन के इंतखाब पे कोई तबसरा करिए तो की कर बस सकते हैं। असी तबसरा ही कर सकते हैं, असी कम तो कुछ नहीं कर सकते जो होना सी हो गया आई थोड़े लिए आहो ये असी वो आ, क्योंकि दिन रात तबसरे ही हो रहे हैं इंतखाब तो आ, पहले भी इंतखाब तो बाद ते वो ही तमाशे हो रहे हैं। लेकिन एक हम सू जीव नहीं लगता ना, असं हम उम्र के हिस्से आ गए हैं कि सू अंदाजा हो गया है। पहला तमाशा वेख्या 77 च, उदो छोटे सन जो उदो भी धांधली हुई थी। उस तो बाद फिर धांधली वेखी, जो जित गया वो ठीक है, जो हार गया धांधली है। तो खिडाण वाले खिडाई जाते हैं ते खेडन वाले वारी वारी आई जाते हैं ते वो जे आउट हो जाते कहते रोंद मारिया सानू बेईमानी हुई है। उन अंपायर मजबूत है ते न्यूट्रल अंपायर वाली तो कहानी रही कौन नहीं है, साढ़े मुल्क तो है ही कौन नहीं है। या जद्दी पुश्ती जेडे नासूर ने दिख रहा एक पार्टी का सरबरा है और मुंडा वो वजीरा तो मन रहा है। वो वेखो ब्लैकमेलिंग, एक दे औलाद जी वो वजीरे वाला बन रही है। इस तरह हर जिले हर सूबे दे विच हर जिले इलाके जो MNA MP वे उन्होंने नस्लों से अगों खुरते जे घाटी है। शायद कोई चंद ही होने ने जेडे अलग होने, लेकिन वो खानदान उही ने अपने अपने इलाके गल है कि अवाम अवाम एक्सेप्ट कर रही है ना, उन्हें अवाम तस्लीम कर रही है उसको। माहौल ऐसा हो गया कि सिर्फ एक उन्होंने कोठियां के झंडे बदल जाते हैं। पीपल पार्टी नून लीग हूँ ज्यादातर और तरीके इंसाफ का वे, और जिन्ना तरीके इंसाफ ने टर्नओवर होया इन्ना तो मेरा नहीं ख्याल के साढ़े भी जेहन च नहीं सी है कि इन्ना होएगा। तो वो गैर यकीनी सूरत हाल हुई है ते, लेकिन बहरहाल ये तो नॉर्मल है। जिहदी हुकूमत खत्म की जाए उन्होंने दोबारा हुकूमत मिलती नहीं, हमेशा बंदा बदलया जाता है। तो हुण भी वो बदले जाते, अगों फिर हो सकता है फिर वही आ जाने। तो इस चेहरे पुराने ही वास्ते आ रहे हैं, मैं मूसा पुराने चेहरे आ रहे हैं, नवे सानू ऐसे कोई चेहरे हालात नज़र नहीं आते कि जेडे असी ओवरसीज पाकिस्तानियों नू कोई रिलीफ मिले। मैं पाकिस्तान की तो गल ही नहीं कर चुका, असं इतने रहने रिलीफ मिले या साढ़े अंदर है वो ख्याल पैदा हो कि असं जाके बात हो जाइए कि उत्थे पॉलिसियां ठीक हो गई ने, लॉ आर्डर की सूरत हाल अच्छी हो गई है, कोई हेल्थ का सिस्टम ठीक हो गया है, कोई सफाई का मियार बन गया है, कोई डिसिपलिन हो गया। साडू जेहन च वो चुका है चीज़ा सू नज़र नहीं आदि, साढ़े तस्वर भी नहीं होंगे। तकलीफ जरूर होंगी है, वतन याद भी करी दा, उदास भी होता ते सारा कुछ है, लेकिन डरी दा उत्थे जान लगे। क्यों भाई साहब? जी, सही गल है, सही ते गल है अल्लाह भाई करे साहब। कोई ऐसा हुक्मरान आवे जड़ा वाकई हकीकी रहबर होवे, या कम अज कम जिन्हों वोट अवाम मुंतखब करती है उन्हें ही मौका दे देना, उस बंदे नूं भी मौका देन और पूरा टाइम पूरा करन देन, गलत करे सही करे, ताकि अपना कोई शिकवा ना रह जाए। हुण शिकवा बन गया ना 3.5 साल दी कारकर्दगी। इमरान खान साहब भी बजाय रेडी को नहीं सी आया, लेकिन चूंकि हटाना मजलूम हो गए ते इस तरह पहले जेडे मजलूम सन वो पहले जेडे मजलूम फिर वो जालम बने, फिर वो कैदी बने, फिर वो हुण वो लाडले ने। तो ऐ लाडला प्यार मुहब्बत पसंद ना पसंद वाला सिस्टम जेड़ा ना ये खत्म हो जाए, असूली सिस्टम आ जाए तो मुल्क किसी पास लग सकता है। तो बाकी हजरत साहब ख्वाजा साहब बेहतर समझते हैं, मेरे ना ज़्यादा और सर जी, असी शौक के रखते हैं। बेहतर समझना गल सिर्फ इन्नी है कि भाई होर कुछ नहीं, कुछ बंदा अपना घर का ख्याल कर लेंदा है कि साडा घर बदनाम ना हो, साडा वतन है, प्यारा पाकिस्तान है, साडी धरती है, साडी माँ है, उहदे ते कोई आँच ना आवे, अल्लाह ताला उहनूं सलामत रखे। बहुत दिल दुखदा वे कि मेरा पाकिस्तान, मेरा वतन, मेरा प्यारा, मेरी प्यारी धरती जिथे असीं जन्म लिया वो सानूं भुल नहीं सकदी। असीं इत्थे रहिंदे आ मगर साडी नज़रां पिछे लगी रहिंदियां ने, असी उन्होंने नहीं भूल सकते, किसना भुलीए यार, उन्होंने सही नहीं भूल गल है, सकते बिल्कुल असी, उन्होंने सही गल है। साड़ी धरती है, साड़ी जमीन है, साड़ी माँ है, अल्लाह ताला सलामत रखे उन्होंने, फाजला दा फरमाए। अगर ये लोग खिलाफ कोई हो भी गए ना, मेरा ईमान है कि अल्लाह ने सलामत रखे, मेरी धरती सलामत रहेगी, उन्होंने कुछ नहीं होने लगा, कुछ भी कर लो नहीं होने लगा कुछ, उन्होंने चेहरे बदल लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं, पाकिस्तान रहना तो रहना है इंशाल्लाह ताला, ये मेरा ईमान है।
बाकी किसी के बस च नहीं है तो दुआ ही कर सकते हैं असी और दुआ कर रहे हैं दिल के दिल दुआ कर रहे हैं अल्लाह तला कबूल फरमान वाला है और दुआ कबूल कदों होती है ये रब न पता हूँ तो जो इंसान बेबस हो जाए ना वह बस ना चले तो फिर वह दुआ करता है अल्लाह तला के रो रो के गिड़गड़ा के दुआ कर अल्लाह तला मैं बेबस हाँ मेरा बस नहीं चलता पाया तू इंसाफ कर तू मुनसफ है तू अदल कर तू आदल है वो जो तो करेगा ना फिर अल्लाह तला वो फिर उन्होंने को रोक नहीं सकता अल्लाह तला की पकड़ बड़ी सख्त होती है उसको डरना चाहिए और सब तो बड़ी गल है कि असी उन्होंने चीज़ों नाल उन्होंने चीज़ों से कोशिश करने जो साढ़े नाल जानिया नहीं है साढ़े मरण तो बाद साढ़े नाल जो चीज़ नहीं जानी असी उहदे से कोशिश करने अजीब गल है इंसान की फितरत किहो जिही है जो चीज़ नाल जानी उन्होंने भुले बैठे हैं मैं तो बस दुआ कर रहा और अल्लाह तला सुनने वाला वे ओ जो तो पकड़ेगा ना अल्लाह बहरहाल एक इंतखाब हो गए ने ते हुण अगले मरहले बखैर खूबी हो जाएगा लेकिन अगले भी जो दो चार साल ही लगने ने धांधली धरने पता नहीं मुजाहरे कम शम कुनी जो होने है महंगाई का तूफान उ रहना है और बल्क वाता जाना है जो हालात ने गरीब मरदा पिया मरदा पिया एक दूजे नु मरूसल इल्जाम ठहरान दे ते तोकवात कोनी है मायूसी है ते इस मायूसी च हुण मजीद गुफ्तगु नहीं होनी है तो फिर बकाया इंशाल्लाह फिर होगी गल तफसील ना तो इजाजत दो पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद पाइंदाबाद।